ये देखो, ये तुम्हारे को जितने भी दिख रहे हैं यहाँ से वहां तक लाइन है, लास्ट तक है ना, ये सब टैटू वाले हैं। ये रे भाई साहब, यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं, मैडमों को पकड़ लिए। सो है व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। आज मैं सोचा हूँ कि एक टैटू वगैरह का शुरुआत करें, मतलब टैटू वगैरह बनवाए। और अभी तो वैसे फ्रेंड के साथ ही जा रहा हूँ बनाने, मतलब उसका बनवा रहा हूँ, और साथ में अगर कोशिश हुआ तो आज मैं भी बनाऊँगा। और पास से ही, ज़्यादा दूर से नहीं, पास से ही बनवा रहे हैं। एक मॉल है हमारे तरफ का, उस पर अभी चलते हैं और चल के बनवाते हैं। और अब चलते हैं डायरेक्ट राइड पे, और राइड पे चलते चलते बात करते हैं। अब अपन करते हैं ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट। ये क्या सीन है? तो भाई मैं निकलने के लिए हो गया हूँ तैयार। ये देख रहे हो मेरे पास आज है पल्सर 160। और आज अपन इसको भगाने वाले और अच्छी राइड करने वाले। एक ज़्यादा लॉन्ग टूर नहीं है, यहाँ से मेरे घर से कुछ मॉल 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है। तो पहले अपन चलते हैं ये हाईवे पे, और हाईवे पे चल के फिर वीडियो और स्टार्ट करता हूँ। और होप करता हूँ कि पुलिस वाले ना मिले, क्योंकि आज 2-4 बंदों को होल लेके जा रहा हूँ जहाँ पे उनके पास हेलमेट वगैरह भी नहीं है। वैसे तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक पुलिस वाले मिलने नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है ना यार, किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। और बाइक देखो कितने प्यार से चल रही है यार। नहीं यार, हाँ भाई तो भाई यहाँ से अपन कर रहे हैं शुरुआत। भाई ने पहन लिया है हेलमेट, मैं भी रेडी हूँ, और इनको चॉकलेट वगैरह खाना है। चॉकलेट वगैरह खा के वो फिर वापस अब राइड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने ले लिया है हेलमेट यहाँ से, अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट अपने हाइपर सिटी टाइटन मॉल। और वो भी अभी पता है क्या, एक चीज़ और, अभी एक ही ने हेलमेट लिया है और एक ने लिया ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन है। अगर पुलिस वाले पकड़ लिए तो मेरी बाइक ही जाएगी, क्योंकि मैं तो दूसरे की बाइक चला रहा हूँ और मेरे पास है लाइसेंस वगैरह, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज करवाएंगे गाइस टैटू। अभी तक जिससे डर रहे थे वो वहाँ पे खड़े, अगर तुम्हारे को अभी दिखने वाला है जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। ये रहे भाई साहब, यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं, मैडमों को पकड़ लिए, सबको पकड़ लिए। डरो मारो, बिना हेलमेट के घूम रहे यार ये। और इस साइड हमारे 4 सालों से ये पुलिया बने ही जा रही, लेकिन बन नहीं रही। देख लो, 4 सालों से ये पुलिया बन रही। एक पार्षद ने यहाँ पे बनवाने का प्लान किया था, लेकिन अभी तक नहीं बना। सो गाइस, अपन आ गए यहाँ पे ट्राइटन मॉल, जहाँ पे अपन टैटू बनवाने वाले, टैटू निकलवाने वाले। अभी एक भाई है जो काफी देर से, अब लगता है इंतजार करना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसको तो पिछले वाले को तो ऐसे उतार दिए थे, वो बिना हेलमेट के था। और एक भाई अपना आ गया, तो वापस पुलिया पे इंतजार कर रहा है कि आगे वो पैदल चल के आए, जब मैं जाके उसको बैठाऊं, और फिर अपन करवाते हैं पार्किंग वगैरह, और फिर अपन देखते एक बेस्ट टैटू वाले दुकान को देख के। तो गाइस, अपन आ गए टाइटन मॉल, और ये देखो पीछे से है एंट्री गेट। अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के ढूंढते हैं, जल्दी से जल्दी अपन कोशिश करते हैं कि कोई टैटू वाला मिल जाए और अपनी टैटू वगैरह मरवा ले फटाफट। बाइक कर दिए पार्क, अब करते हैं एंट्री। ये देख लो, इधर की तरफ है हमारा टाइटन मॉल, ये तुम्हारे को दिख रहा होगा पूरा मॉल है, और इसके अंदर अपन बनवाने वाले हैं टैटू। साथ में कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं यार, और अपन चलते हैं डायरेक्ट जूडियो पे, क्योंकि जूडियो यार एक नंबर चीज़ है ब्रांड वगैरह में। मतलब कपड़े भी सही दे देती है और पैसे वगैरह भी सही लेती है, ज़्यादा हाई ब्रांडेड भी नहीं है, मस्त है, मतलब कुल मिला के सही चीज़ है। ये अपन ने एंट्री कर रहे हैं जूडियो के अंदर, और यहाँ पे करते हैं शॉपिंग। वाह यार, सीन सही है, बहुत टाइम बाद मैं भी आया हूँ, एक्सीडेंट के बाद तो आज ही आया हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो चड्डा वगैरह मस्त मस्त भाई, जो लेना है इधर तो मिल ही जाएगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा भाई, इधर पेंट वगैरह। सो गाइस, तुम देखो कि यहाँ पे हम आ गए टैटू वाले के, और इस साइड जितने भी, अगर तुम्हारे को ये तुम्हारे को जितने भी दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक लाइन है, लास्ट तक है ना, ये सब टैटू वाले हैं। और यहाँ पे हम कॉल करके पूछ रहे हैं कि सबसे बेस्ट टैटू वाला कौन है, कोई जानकार वगैरह मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और फिर उससे करवाते हैं टैटू। साढ़े 3 भाई, फीलिंग कैसी है? पेनलेस फीलिंग, पेनलेस।
देखो आधी बन चुकी है इस साइड से और इस साइड से आधी बन रही है और फीलिंग भाई ऑसम है। फाइनल टच भाई। इसके बाद कुछ नहीं है। हैप्पी है भाई। सो गाइस फाइनली हमने टैटू करवा लिए और मैंने टैटू नहीं करवाई। मैं सोचा यार कि अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, जल्दी से डिसीजन लेना गलत है, इसलिए मैं सोचा कि इतना सही है तो मैंने टैटू वगैरह हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।